ये लुक बहुत ज़्यादा क्लीन और प्रीटी सा हुआ था, और आई मेकअप तो आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। वाटरप्रूफ का डेमो आप लोगों के सामने है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। आपको मैं यहाँ पे बहुत सारे हैक्स और टिप्स दिखाऊंगी, जो भी अगर आप मेकअप करते हैं तो उसे लॉन्ग स्टे कैसे करें, उसे अच्छे तरीके से यूज कैसे करें, इन सब चीज़ों के लिए वीडियो को फुल वॉच करना। और यहाँ पे मैं डेमो के साथ में ये भी दिखा रही हूँ कि मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकलता है, और ये सच में नहीं निकला था। लुक आप लोगों के सामने है, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप पूरे स्टेप फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैंने किया है, तो आपका मेकअप ये लॉन्ग स्टे भी करेगा और वाटरप्रूफ भी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया जो बहुत ज़्यादा महंगे है, तो नॉर्मल प्रोडक्ट में मैंने एक अच्छा लुक दिखाया आपको। आई मेकअप अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आई लुक आप कर सकते हैं ईजली, बहुत ही अच्छे तरीके से, ईजी स्टेप में बहुत जल्दी आई मेकअप होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं रूपी का स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल रूपी का मेकअप में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज का मेकअप लुक खास करके मैंने छठ पूजा के लिए किया है। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो छठ पूजा मनाते हैं, और उसमें वाटर प्रूफ मेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फुल मेकअप करके वो लोग नहाते हैं। क्या होता है ना, वो वाटर प्रूफ मेकअप होना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैंने ये वाटर प्रूफ मेकअप किया है। इसे मैंने विथ डेमो के साथ में आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से मैंने वाटर प्रूफ मेकअप किया, और डेमो के साथ में वो निकलता नहीं है। अगर आपको देखना है कि ये लुक मैंने कैसे किया, तो वीडियो पे बने रहना। यहाँ पे आई मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी सा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही सिंपल तरीके से आई मेकअप किया है। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच करके जाना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम है रूपिका और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूपिका मेकअप। यहाँ पे आपको मिलती है मेकअप वीडियोस, रिव्यूज, चैलेंज, हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैंने नोज़ पिन भी सिल्वर की रख ली है, मैंने ऐसी नोज़ पिन पहली बार वेयर की है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये नोज़ पिन मेरे ऊपर कैसी लग रही है, और आपको ये नोज़ पिन पसंद आती है या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर जिसको परचेज करना होगा कमेंट करेगा तो मैं इसकी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लिंक है या फिर कोड है मुझे आइडिया नहीं है, जो भी होगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ये ज्वेलरी। अगर इसमें से कोई ज्वेलरी आपको परचेज करनी, कुछ भी परचेज करना, तो ज़रूर कमेंट करना। तो वीडियो में बने रहना, स्टेप सारे फॉलो करना। अगर आप बिगिनर हैं तो क्या है ना कि ये ज़रूरी नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया मेकअप किया नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को चला लीजिए, एक बार देखिए नहीं होता है फिर से चला लीजिए, फिर से देख लीजिए, मेकअप पूरा आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो लुक तो आप लोगों के सामने देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा क्लीन और कितना ज़्यादा प्रीटी ये मेकअप हुआ है। तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आप खुद का मेकअप कर सकते हैं। तो लुक तो आप लोगों के सामने है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगता है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ती हूँ, और मैं दिखाती हूँ ये लुक मैंने किस तरीके से किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे मिस्ट का यूज़ करेंगे, और ये प्लम का मिस्ट है, काफ़ी अच्छा है। अगर कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट ढूंढ रहा है और काफ़ी टाइम तक चलने वाला ढूंढ रहा है तो इसे ले सकते हैं आप। यहाँ पर पहले मैंने इसे इस तरीके से मिक्स किया, और इसे अप्लाई कर लिया। सीरम के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोज हिप का ये सीरम, और इसे अप्लाई कर ले रही हूँ। स्किन में एब्जॉर्ब होने देती हूँ। तब तक के लिए मैं क्या करती हूँ, अपना बेस तैयार कर लेती हूँ वाटरप्रूफ, क्योंकि आज का जो मेकअप हम कर रहे हैं वो वाटरप्रूफ होगा। जैसे कि छठ में हर कोई चाहता है कि हमारा मेकअप वाटरप्रूफ हो छठ में, इसी में हम बेस को तैयार करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा प्राइमर, प्राइमर के लिए ले रही हूँ लैक्मी का ये प्राइमर। मैं
बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ओलिविया का स्टिक, जिसका है सेट नंबर 02। अब और थोड़ा सा मैं जितना मुझे ज़रूरत है मैं निकाल लूँगी। इतना इसी में मैं एक बूंद सीरम का यूज़ करने वाली हूँ और थोड़ा सा ले रही हूँ लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट। इसकी जगह बनाना लूज पाउडर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे और थोड़ा सा हमारी स्किन ग्लो करे उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा हाइलाइटर। अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है तो काफ़ी बेस्ट है, मेरे पास नहीं है तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। इसे भी मैं इस तरीके से ऐसे निकाल लूँगी। कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मैं फेस पे ऐसे मॉइस्चराइज़र अभी अप्लाई नहीं करूँगी। ओके इतना सा, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि इसमें हमने स्टिक का यूज़ किया है, तो वो अच्छे से मिक्स होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो थोड़े थोड़े ना क्या होते हैं ना स्टिकी से होते हैं, तो उसे हमें मिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बेस बन के तैयार हुआ है और मैं इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको कितना प्यारा बेस तैयार हुआ है। ये सारे जो ट्रिक है ना ये पार्लर वाले यूज़ करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेस तैयार हुआ है। अभी मेहंदी लगी है, अभी मैं डबल कोट करूँगी तो शायद ये मेहंदी भी नहीं दिखेगी। तो चलिए हम इसे फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टोनर और फेस पे सीरम, थोड़ा सा प्राइमर भी ऐड करेंगे ताकि हमारा मेकअप जो है ना लॉन्ग स्टे करे। प्राइमर के लिए मैंने वही यूज़ किया है लैक्मे का प्राइमर। प्राइमर भी लगाने के बाद हमें अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 30 सेकंड तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो जब तक हमारा प्राइमर सेट कर हो रहा है हम अपनी आईब्रो को फिल कर लेते हैं। और आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड विल का ये किट यूज़ कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरी भी आईब्रो फिल कर ले रही हूँ। अब हम सबसे पहले आज आई मेकअप करेंगे। मेकअप के लिए सबसे पहले मैं कंसीलर की यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर के लिए मेरे पास है मिस रोज़ का ये कंसीलर, तो इसे थोड़ा सा अप्लाई कर ले रही हूँ आँखों के ऊपर। इसे सेट करने के लिए मैं लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और इसी से इसे सेट करूँगी। इसे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसे सेट नहीं करेंगे तो लॉन्ग स्टे नहीं करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसे सेट करना। मेकअप के लिए ले रही हूँ ये कलर स्टूडियो का पैलेट, इसी से आई मेकअप करने वाली हूँ मैं। ये लाइट ब्लू कलर और इसी से पहले कट क्रीज के ऊपर ऊपर इसे ब्लेंड करूँगी। इस तरीके से ये ब्लैक कलर और इस तरीके से मैंने अप्लाई किया। सेम इनर कॉर्नर की साइड से मैं पूरी कट क्रीज पे हमें अप्लाई करना है। इसे ब्लू कलर का आई शेडो इसी के ऊपर अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, एक खिलके कलर आएगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ब्लू कलर ले रही हूँ और अच्छे से इसे मैं निकाल ले रही हूँ, ठीक है। और मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ, आपको कलर दिख रहा होगा कितना आया है। मैं इसे कितनी भी बार रगड़ लूँ इतना आएगा। चलो दोबारा भी ट्राई कर लेती हूँ मैं इसी के ऊपर, ठीक है। इतना कलर आया। ये ब्लैक आई शेडो यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, ब्लू कलर को मैंने पिक किया और यहाँ आप ब्लू कलर को देखें, सेम कलर मैंने वही पिक किया था, सिर्फ यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर नीचे यूज़ किया और ये
यहाँ पे ऐसी मैंने अप्लाई किया था, तो आप कलर दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये ब्लैक कलर अप्लाई किया है। तो चलिए अब मैं अप्लाई कर लेती हूँ इस पर ब्लू कलर। अभी थोड़ा सा सिमरी कलर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इनर कॉर्नर से भी लगा लेना है। मैं आपको बता दूँ, इतने अच्छे से ये खिल के कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नीचे ब्लैक कलर का यूज़ किया। ऐसे ही अप्लाई करती तो शायद ये कलर नहीं आता। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल आईलिड के ऊपर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ पिंक आई शेडो। उसके लिए मैं अप्लाई करूँगी सबसे पहले वाइट बेस इस आईलिड के ऊपर। इस तरीके से अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँ और इसी के ऊपर अप्लाई करूँगी ये पिंक कलर में। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं ये बेस और इसे मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे लगाते जाऊंगी और हाथों से ही अप्लाई करूंगी इसे। आप देख सकते हैं इतने इजी से ब्लेंड हो गया, इधर और इधर में आपको फर्क दिख सकता है। तो इसी तरीके से मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने बेस अप्लाई कर लिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हुआ है ये। अब मैं इसे सेट कर ले रही हूँ। सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से हमारा मेकअप लॉन्ग स्टे करता है। सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये बनाना लूज पाउडर मार्स का। अब हम फेस को कर लेते हैं अपने कंटूर और का ये ब्राउन कलर ले रही हूँ और इसी से कंटूर करूँगी अपने फेस को और फिंगर से ही करूँगी। ब्रश का यूज़ नहीं करूँगी, ज़्यादा ब्रश का नहीं यूज़ कर रही क्योंकि क्या होता है ना कि हर किसी के पास ब्रश इतने और ब्यूटी ब्लेंडर नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कंटूर हो गया, इधर भी कर लेती हूँ। और ब्लश के लिए मैं ये पिंक कलर ले रही हूँ। अब हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाइलाइटर जो है हुडा ब्यूटी का, इसे भी मैं फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। अब मैं इस तरीके का एक ब्रश ले रही हूँ और ये जो पिंक कलर मैंने ऊपर ऐड किया है ये इनर कॉर्नर की साइड से इस तरीके से ब्लेंड करते हुए आऊँगी। और ये ब्लैक कलर ले रही हूँ, इसी के ऊपर मैं लोअर लैश लाइन से मिक्स करते हुए इस ब्लैक कलर को लगाऊँगी एज ए काजल। आज मैं आईलाइनर का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो चलो हम मस्कारा लगा लेते हैं। लिपस्टिक के लिए ले रही हूँ ये डार्क डार्क पर्पल कलर। इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया। तो मैं अपने ज्वेलरी और हेयर स्टाइल चेंज करके मिलती हूँ आप लोगों से। तो इस तरीके से मेरा होता है फाइनल लुक। अभी मैं लगा लेती हूँ बिंदी। तो
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिल्वर ज्वेलरी मैंने वेयर किया है। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी ज्वेलरी ले सकते हैं। ये मेकअप मैंने बहुत सारे लुक में आपको दिखाया है, जैसा कि सिंपल सा और जिस तरीके से छठ पूजा में सिंदूर लगाते हैं उस तरीके से भी चुनरी के साथ बहुत अच्छा लुक आया था। तो ये मेकअप आप कर सकते हैं छठ पूजा में, दिवाली में, आप अपने अनुसार ज्वेलरी और ड्रेस चेंज करके कर सकते हैं। और आई मेकअप बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रीटी सा हुआ था, वाटर प्रूफ मेकअप है, इस तरीके से आप डेमो देख ही सकते हैं। पूरी एक बोतल मैंने पानी लिया था और पूरे से फेस वॉश किया, ये मेकअप बिल्कुल भी निकला नहीं। और यहाँ पे मैं डेमो के साथ में आपको निकाल के भी हाथ से भी दिखा रही थी, बट ये नहीं निकला। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा पानी मैंने डालने के बाद फिर वो चीज़ें की है। आप देख सकते हैं मेकअप वैसी का वैसी सॉफ्ट सा और क्लीन सा, ग्लोई जैसा था वैसी के वैसी रह गया था, बिल्कुल भी नहीं निकला था। और ये भी नहीं कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं सारे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगी, बट ये मेकअप निकलने वाला नहीं है, जैसा था वैसी का वैसी रह गया था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हों और यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। यहाँ पर आपका कुछ नहीं जाता, आप कुछ भी पैसे नहीं लगने वाले, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। इस तरीके से मैंने फिर से वॉश किया, मुझे लगा फिर से वॉश करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। बट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आई लुक कैसा लगा आपको, आई मेकअप कैसा लगा और लुक आपको कैसा लगा, और कितने लोगों ने मेकअप किया और लुक कैसा आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए और आप लोगों को बताएं, ये सारे पार्लर के सीक्रेट होते हैं जो कि वो हर किसी के सामने बताते नहीं हैं, हर किसी के सामने करते नहीं हैं। तो इस तरीके से मैंने किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना लुक आपको कैसा लगा। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, मेरे वीडियो को फुल वॉच कर लिए हैं यहाँ तक, तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए